बिटिया का नाम सुमति। नमस्कार, आइए आज मैं आप सबको मिलाता हूं त्रिपुरा के एक असली हीरो से। इसका नाम है स्वपन देव वर्मा। आपके सामने स्वपन देव वर्मा और उसकी छोटी सी बिटिया सुमति, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है। ये अत्यंत गरीब परिवार का है, अत्यंत गरीब है। घर रहने जैसा नहीं है, शरीर पर ढंग के पहनने के कपड़े नहीं है, परिवार में अत्यंत विपन्नता है। 3 दिन पहले 16 तारीख को जब इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उस दिन सुबह से इनके घर में खाना नहीं बना था, खाने के लिए कुछ नहीं था। रोज जंगलों में जाना, जंगलों में जाकर बांबू के शूट्स निकालकर उनको और कुछ कंदों को निकालकर मार्केट में लाकर उनको बेचना और जो भी 10-20 रुपया मिले उससे अपने घर को चलाना, ये स्वपन देव वर्मा का रोज का काम है। परिवार को चलाने के लिए जंगलों में घोर मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से जब 16 तारीख को अपने घर से शाम को निकला था, उसने जो रेलवे ट्रैक है पहाड़ों के ऊपर, अंबासा रेलवे स्टेशन के बाद में मुंगिया का भी एक रेलवे स्टेशन आता है, इसके बीच में जो रेलवे ट्रैक है उसको उसने देखा कि पटरी तो है लेकिन पटरी के नीचे की सारी मिट्टी और पहाड़ पूरी तरह से धस गया है और पटरी हवा में लटक रही है। उसके तुरंत ध्यान में आया कि यहां से जब ट्रेन गुजरेगी तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और खाई है, पूरी ट्रेन खाई में गिरने की संभावना है, जिस ट्रेन में कम से कम 2,000 से 2,500 लोग खचाखच भरे हुए रहते हैं। ये धर्मनगर से अगरतला ये शाम के समय आने वाली एक शटल सर्विस ट्रेन की, इस ट्रेन का आने का वो समय था। स्वपन को खतरा समझ में आ गया, वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा रहा। उसके पास दिखाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, तो जो शर्ट, फटा हुआ शर्ट उसने पहना था उसको निकालकर उसने लहराना शुरू किया। 2 घंटा पहले तो इंतजार करता रहा ट्रेन के आने का। उसके बाद में दूर से जब उसको ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, उसने अपना शर्ट एक हाथ में लिया और कमर को जो गमछा बांधा था उस गमछे को भी निकालकर दूसरे हाथ में लिया और दोनों हाथ से लहराकर मोटरमन की तरफ इशारा करना शुरू किया। मोटरमन को लगा शायद कोई पागल व्यक्ति है और इसलिए वो रुक नहीं रहा था। स्वपन को यह भी ध्यान में आ गया कि मोटरमन मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है। तब उसने और एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण काम किया, अपनी बिटिया जो सुमति उसके साथ थी, बाजू में खड़ी थी, उसको खींचकर उसने अपने सामने खड़ा किया और अपनी बेटी को सामने जब खड़ा किया तब मोटरमन के ध्यान में आ गई कि कुछ गंभीर बात है और उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को खड़ा किया। और जब नीचे उतरने के बाद देखा कि क्यों इसने रोका है, तब वो गदगद हो गया और उसने इसको धन्यवाद दिए। ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को पता चली। हमने उनका घर ढूंढा और मैं त्रिपुरा के एक चैनल TV24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पहला चैनल है कि जिसने उसको ढूंढकर अगरतला में लाकर अपने टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू किया। नहीं सिर्फ इंटरव्यू किया, इस व्यक्ति को इसके बेटी और साथियों के साथ अगरतला और आजूबाजू का परिसर घुमाने का काम किया। इस व्यक्ति ने सारी जिंदगी में 60 किलोमीटर दूरी पर जो अगरतला शहर है वो भी आज तक नहीं देखा था, जो आज उसने पहली बार देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ा हीरो है। 2000 लोगों की जान अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जान को खतरे में डालकर, अपने बेटी के जान को दांव पर लगाकर लोगों के जान बचाने वाला ये वास्तविक में एक महान वीर पुरुष है। ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की धरती है, जहां पर माणिक्य वंश के राजाओं का राज रहा है।
जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है, कभी भी राजा का राजापन नहीं दिखाया, समाज के लिए समर्पित इस राज्य के राजा रहे हैं, उसी राज्य में इस प्रकार का एक नौजवान, इस प्रकार का एक समर्पित युवक, मैं इनके समर्पण को सलाम करता हूं। और मेरा सामाजिक संगठन माई होम इंडिया के माध्यम से 25,000 रुपए का एक चेक मैं इसको देता हूं। ये भी बताना चाहूंगा कि इनका आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जनधन अकाउंट ऐसे ही गरीब लोगों के लिए दिया, लेकिन इस राज्य में जो 25 साल से दुष्ट माणिक सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही थी, उन्होंने इस जनधन अकाउंट को त्रिपुरा के गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया था। लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब काम हो रहा है, इनका भी अकाउंट 2 दिन में खुलेगा और वो चेक। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं इनके डिटेल्स जैसे ही अकाउंट खुलेगा मैं मेरे फेसबुक पर दूंगा। इनके परिवार को खड़ा करने के लिए, इनके घर को खड़ा करने के लिए, इनकी बच्चियों की पढ़ाई के लिए आप दिल खोलकर दान करें, उनके अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं। जैसे ही अकाउंट खुलेगा मैं सारे डिटेल्स मेरे फेसबुक के माध्यम से सारी दुनिया को साझा करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीर का असली सम्मान होना चाहिए, इसके जिसने हजारों लोगों की जान बचाई, उसके परिवार को न कि सिर्फ बचाना है, गर्व के साथ खड़ा रहने के लिए उसको समर्थन करना है। और हम देखना चाहते हैं कि इनकी बेटी भी, इनकी सारी बेटियां ये आगे चल के कोई स्पोर्ट्स में आगे आए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कलाकार बने, लेकिन अपने जिंदगी में अपने पिता का नाम रोशन करें, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। अरे हम तो रास्ते से गुजरते हैं, कोई एक्सीडेंट बाजू में होता है तो रुकने की तस्दी नहीं लेते हैं, इस व्यक्ति ने तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट टाला है। फिर एक बार मैं इसको सलाम करता हूं, स्वपनदा, और असंख्य धन्यवाद आपको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। लाखों लोग, इनको हिंदी नहीं समझ में आता है, बांग्ला इनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, इनकी मातृभाषा कॉक बोरोक है जो मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता। असंख्य धन्यवाद। खुलुम खा, खुलुम खा, खुलुम खा। आप कुछ बोलेंगे? आपको कैसे लग रहा है? बांगला बांगला बोलो। ভালো লাগছে, আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, বতা রে আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, তোমাকে কে কেমন লাগছে? ভালো কিছু বলতে পারবে? তুমি কিছু সাহায্য করো। मैं हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिप्लव देव जी से निवेदन करूंगा, राज्य के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जरूर त्रिपुरा सरकार की तरफ से इन्हें इनाम दिया जाए, और संभव हो तो इनको त्रिपुरा सरकार में कोई ना कोई नौकरी दी जाए, क्योंकि जिसने त्रिपुरा की 2000 लोगों की जान बचाई है, उस परिवार को खड़ा करना त्रिपुरा सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है। मैं उनको ये कम्युनिकेशन जरूर करूंगा, क्योंकि इन्होंने अभी एक इच्छा व्यक्त की है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे लिए कोई एक नौकरी ढूंढिए, इतना तो हमारा देश जरूर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, प्लीज आम चेनेल भिडिओ चाय आनंद उपभोग कर, और अधिक भिडिओ चाहिए आम चेनेल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाव नपहरिब।